बड़ी तस्वीर आपको दिखा दे जो पाकिस्तान की नियत और उसकी नियति दोनों बताती है। तस्वीर है कश्मीर के उरी सेक्टर की। पाकिस्तान के 3 आतंकी उरी में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चौकस सुरक्षा बलों ने तीनों ही आतंकियों को ढेर कर दिया। आज उन आतंकियों की घुसपैठ का वीडियो सामने आया है। ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ा पिक्सलेट जरूर है वीडियो, लेकिन ये जो काले डॉट्स 1, 2, 3 आप देख रहे हैं गोल घेरे के अंदर, ये 3 आतंकी हैं। और वो जो सफेद हिस्सा आपको नजर आ रहा है वो पाकिस्तान की तरफ का हिस्सा है, और पेड़ के दूसरी तरफ का हिस्सा भारतीय हिस्सा है। और ये तीनों ही आतंकी चलते हुए आ रहे हैं, और इन्होंने घुसपैठ करने की कोशिश की भारतीय सीमा में, लेकिन भारतीय सुरक्षा बल पूरी तरीके से मुस्तैद, इन तीनों ही आतंकियों को मार गिराया गया। इन तीनों को मार गिराया गया। पिछले कुछ दिनों में लगातार घुसपैठ की जितनी कोशिश हुई है उन सभी आतंकियों को मार गिराया गया या उनको गिरफ्त में ले लिया गया, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। नीरज राजपूत हमारे सहयोगी पूरी जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नीरज, वीडियो भी दिखा रहे हैं हम अपने दर्शकों को, 3 आतंकियों ने घुसने की कोशिश की, पहले तो उनको मार गिराया गया, इसके पहले भी घटनाएं हुई हैं। पाकिस्तान एक तो बाज नहीं आ रहा है, दूसरा सबसे पहले इससे जुड़ा अपडेट दीजिए। बिल्कुल आदर्श जी, आपने बिल्कुल ठीक दिखाया ये वीडियो। ये वीडियो कल का है, जब भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस को इस बात की सूचना मिली थी, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन थी कि 3 आतंकी जो है पाकिस्तान की तरफ से, पीओके की तरफ से, उरी सेक्टर में घुसपैठ करने के लिए आएंगे और बड़ा आतंकी हमला कर सकते हैं, और इसीलिए भारतीय सेना पूरी तरह से चौकस थी। ये वीडियो जो है, ये भारतीय सेना के जो सर्विलेंस कैमराज जो लगे हुए हैं एलओसी पर लगे हुए हैं, इसी के लिए लगे गए हैं, खासतौर से कि घुसपैठ की कोशिश हो उसको कैद किया जाए और फिर न्यूट्रलाइज किया जाए इन आतंकियों को। तो जब ये आतंकी उरी सेक्टर से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, कल मौसम बहुत खराब था उरी सेक्टर में, ये ऊंचाई वाला इलाका है ये, और साथ ही यहाँ पर जंगल का एरिया है, इन जंगलों की आड़ में ये आतंकी जो थी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। उसी वक्त सुबह के करीब 8:30 बजे की ये घटना है, जब तीनों आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई। जो पहले कैद हुआ स्पेसिफिक, जब वो भारतीय सीमा में आ रहे थे एलओसी पार करके, तब उस वक्त एनकाउंटर हुआ और एनकाउंटर में ये तीनों आतंकी मारे गए। उसके बाद 2 बजे के करीब पूरे एरिया का पूरा सर्च ऑपरेशन किया गया दोपहर में, और फिर इन तीनों की डेड बॉडीज मिली। इनके पास से 2 AK-47 राइफल और साथ ही 1 M16 राइफल, ये तीन जो हथियार थे इन तीनों आतंकियों के पास थे, जो कि प्रूव करता है कि किस तरह से आतंकी जो है पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी घुसपैठ कराने की कोशिश कर रही है। रविवार से हम लोग देख चुके हैं 4 या 5 बड़ी घटनाएं जो है घुसपैठ की एलओसी पर हो चुकी है। लगातार ये घटनाएं हम देख रहे हैं नीरज, और बार बार भारतीय सुरक्षा बल जो है और खास करके जम्मू कश्मीर पुलिस जो है, सूचना तंत्र इतना मजबूत है कि इन आतंकियों को इनके नतीजे तक पहुंचा दिया जाता है, उसके बाद भी इन घटनाओं पर रोक नहीं लग रही। एक तो बड़ी वजह क्या, खराब मौसम का होना भी है, क्योंकि उसमें इनको आसानी होती है घुसपैठ करने में, लेकिन सुरक्षा बल मुस्तैद है इसलिए इनको इनके अंजाम तक पहुंचा दिया जाता है, और दूसरा पाकिस्तान भी बाज नहीं आ रहा। बिल्कुल आदर्श, देखिए इसके पीछे जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में फरवरी 2021 इसके तहत दोनों देशों की सेना ये मान चुकी है कि एलओसी पर अब फायरिंग नहीं करेंगे, एक दूसरे के ऊपर फायरिंग नहीं करेंगे, वो तो शांति है, लेकिन पाकिस्तानी सेना जो है उस एग्रीमेंट की आड़ में इन आतंकियों की घुसपैठ करा रही है। जैसे कि हम लोग देख चुके हैं, आपको याद होगा कि जो रविवार को आतंकी तबरक हुसैन जो है नौशेरा सेक्टर में उसने घुसपैठ करने की कोशिश की थी, सेना की फायरिंग में घायल हुआ था, और उसने किस तरह से डिस्क्लोजर दिया है सेना की पूछताछ में, उसने बताया कि किस तरह से जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी है आईएसआई, उसकी जो कर्नल है यूनुस चौधरी, उन्होंने 30,000 रुपए दिए थे, पाकिस्तानी करेंसी दी थी, और घुसपैठ कराने के लिए और फिदाइन अटैक करने के लिए वो आया था यहाँ पर भारतीय सीमा में। उसी पर ठीक है नीरज, बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी बड़ा अपडेट ये वीडियो हमने आपको दिखाया, बहुत अहम वीडियो है, क्योंकि लगातार आतंकियों के घुसपैठ की कोशिश हो रही है, लेकिन सुरक्षा बल पूरी तरीके से मुस्तैद है, और ये वीडियो वो बताता है कि कैसे इनको उनके अंजाम तक पहुंचाया गया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।